जय हिंद दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट का रिजल्ट आ चुका है। इसमें जो नेक लेखपाल की भर्ती आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल वैकेंसी 8,000 प्लस आने वाली हैं और जो जो पैट में जिसने एग्जाम दिया है वो लगभग 50 से 60% के सभी लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज लिए जाएंगे। तो 50 से 60% तक के परसेंटाइल जितने भी लोग हैं लगभग सभी लिए जाएंगे। हालांकि जनरल वालों की 60+ हो सकती है, बाकी ओबीसी 60 रहेगी कट ऑफ, 60 परसेंटाइल, जो भी 60 परसेंटाइल में आएंगे उनकी रहेगी 60+ ओबीसी और जनरल की, बाकी की 60 एंड बिलो रहेगी SC ST के। और एक्स सर्विसमैन की अगर देखी जाए तो 50+ रहने वाली है परसेंटाइल। अगर एक्स इसमें दो तरीके का हुआ है, जैसे अभी किसी के मार्क 53 आए हैं, 53 मार्क, तो उनका नॉर्मलाइज किया गया है, तो किसी के मार्क बढ़ गए हैं, किसी के कम हो गए हैं। तो वो पेपर पे डिपेंड करता था किसका पेपर कैसा, फर्स्ट पाली में कैसा था, सेकंड पाली में कैसा था। तो अभी इसमें मेरे में 53%, 53.50 नंबर आए थे, जिसमें नॉर्मलाइज होके 51.39 कर दिया है। तो टोटल परसेंटाइल जो हुआ है 69.65% हुआ है। अभी SC ST OBC का अगर देखा जाए कट ऑफ कितनी रहेगी लेखपाल के लिए, तो अभी तक जानकारी आ रही 15 से 20 गुना जो वैकेंसी लेखपाल की आएगी, 15 से 20 गुना लिए जाएंगे। 20 गुना अगर ले लिए गए तो ये मान लो कि 60+ जो भी परसेंटाइल वाले जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको सभी को इस परीक्षा में बैठने के दिया जाएगा। और SC ST कैटेगरी के 50+ जितने हैं सभी को बैठने दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जिसका एक्स सर्विसमैन का 50+ मार्क है, तो वो ये मान लो कि लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि 50+ वाले सभी एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इनका जो परसेंटाइल रहेगा 50+ ही कट ऑफ जाएगी। तो 50+ वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और अपनी तैयारी कर लें। और वोमेन का अगर देखा जाए तो वोमेन का जो परसेंटाइल रहेगा अलग अलग कैटेगरी का रहेगा, सब कैटेगरी के अलग अलग रहेंगे, जो SC ST OBC जनरल कैटेगरी के, तो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर रहेगा। तो वोमेन कैटेगरी का भी अगर परसेंटाइल देखा जाए तो 50 एंड 60 के बीच में रहेगा, जो भी कट ऑफ रहेगी 50 और 60 के बीच में रहेगी वोमेन कैटेगरी का। और एक्स सर्विसमैन का 50 एंड अबो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। तो जो भी 50 एंड अबो एक्स सर्विसमैन है तो वो बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनका भी 15 से 20 गुना कैंडिडेट को एग्जाम में बैठने, लेखपाल की एग्जाम में बैठने के लिए किया जाएगा। तो वो 50 से प्लस ही जाएगा, 50 लो नहीं हो सकता, 50+ हो सकता है, 50 लो भी हो सकता है, लेकिन 50 तो मान लो कि बिल्कुल कंफर्म है। जैसे ही लेखपाल की भर्ती दीपावली के बाद शायद इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका वीडियो हम तुरंत बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।